चुकी है, तो जाहिर सी बात है चीजें सुनना एक अलग चीज होती है, लेकिन चीजों को सुनना क्योंकि मुझे उसमें अमल करना है अलग चीज है। मैं आपकी 10 घंटा भी बातें कर सकती हूँ, लेकिन अगर किसी की नीयत है कि हमें बस जाके सुनना है, यू नो, बिकॉज अच्छा अच्छा नए नए चेंज हुए हैं, जाके हम स्टोरी सुन लेते हैं, तो शायद मेरी बातें आपके दिल पे असर ना करें, लेकिन एटलीस्ट हम नियत करें कि यू नो मैं जा रही हूँ, मैं यहाँ पे इस यू नो इसमें शामिल हो रही हूँ, तो अल्लाह बस मेरे इस जाने को कबूल करे और मेरे अंदर जो भी कमियाँ हैं उससे पूरी करे। तो आई थिंक नियत करना बहुत 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 ज़रूरी है। तो भले कुछ लोगों को वक्त लग जाए पर नियत करो। मुझे इतने साल लग गए, मुझे तो कभी कभी लगता है मेरी पूरी जवानी ख़त्म हो गई और मैंने इसे ऐसे ही बर्बाद कर दिया। और जब मैं लोगों को देखती हूँ, मैं कभी कभी अनस को भी कहती हूँ, मैंने कहा यू नो जब मैं अब ये सब चीज़ें फॉलो करती हूँ मुझे अंदर ही अंदर इतना दुख होता है कि मैं इतना साल क्या कर रही थी, मैंने इतने साल पहले हिजाब क्यों नहीं लिया, मैंने इतने साल पहले अपने बाल क्यों नहीं ढाके, मैंने इतने साल पहले यू नो अपनी ज़िंदगी को सही रुख पे क्यों नहीं लाया, मैं क्यों वेट कर रही थी। और यू नो जब हम देखते हैं कि लोग आज की तारीख वैसे भी ज़िंदगी और मौत का तो कोई भरोसा नहीं है, बट जब कोविड आया और कोरोना आया तो एक खौफ तो दिल में बैठ ही गया। ये सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ से है, ये ऐसी नहीं कि बस अपने आप आई और अपने आप यू नो चले गई। एक एग्जाम्पल है हमारे लिए कि दुनिया की कोई ताकत आज आपको बचा नहीं सकती है। यू नो आज एक ऐसा आ गया कि हमें एक मेडिसिन लाने के लिए 1.5 साल लग गए, उसमें भी इतने लोग इस दुनिया में अब नहीं रहे जो हमारे साथ थे। तो ये चीज़ से एक दिल में एक और खौफ बैठ गया कि व्हाट इफ आई डोंट वेक अप टुमारो, यू नो अगर मैं कल नहीं उठ पाई और अगर मैं इस हालत में गई तो क्या मैं उस हालत में हूँ कि अल्लाह मेरी मगफिरत करेंगे।